हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, जो अंतिम टॉपिक बचा हुआ है पूरी फिजिक्स का, ट्रांजिस्टर यूज्ड एज अ स्विच। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो है, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। और इसके बाद मेरी तरफ फिजिक्स 100% हो गई है, और अब आप लोगों से मुझे 100% नंबर की उम्मीद है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे सर ये पढ़ा दीजिए, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इम्पॉर्टेंट क्या है क्या नहीं, ये स्पेसिफिक कह दिया जाता है कि हाँ, अभी तक पेपर में कोई पूछा उछा गया नहीं है, तो कह देते हैं हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो गया, इस साल आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। बहुत बेसिक सा सर्किट है और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोगों के सिलेबस मैंने कहा कॉमन एमिटर यानी कि उभय निष्ठ उत्सर्जक विन्यास है हमारे सिलेबस में, तो उभय निष्ठ उत्सर्जक विन्यास बना लेते हैं हम लोग। कौन सी बड़ी चीज़ है ये, चलो बना लेते हैं। ये थोड़ा मैं छोटा बनाऊँ क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ बनानी है, तो मैं थोड़ा सा जगह यहाँ चाहूँगा। ये उभय निष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर, बहुत बड़ा गोला हो गया, कोई आवश्यकता नहीं इतने बड़े गोले की, और छोटे में भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो एक बार बोर्ड पे बस पूरा निपटाना है मेरे को, 15-20 मिनट का समय दीजिए, बस हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर है, उभय निष्ठ उत्सर्जक विन्यास बनाना हम लोगों को। चलिए इधर लगा देते हैं बैटरी। ठीक है, ये एमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, VBE। ओके गुड, इसको ग्राउंड कर देंगे, करी ना करी चलता है, वो ग्राउंड ग्राउंडेड ही रहता है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं से दैट RB है ना, यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं से दैट RC। ठीक है, रेजिस्टेंस लगा लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो अचानक से करंट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, आपका सर्किट जो है वो ख़राब हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी सॉरी कॉमन एमिटर यानी कि उभय निष्ठ उत्सर्जक कॉन्फ़िगरेशन में एक NPN ट्रांजिस्टर बना दिया है। ठीक है, NPN कैसे पहचाना, बेस से एमिटर की ओर तीर का चिन्ह है, कन्वेंशन करंट डायरेक्शन दिखाता है जो कि, तो ये आपका उभय निष्ठ, सॉरी ये आपका NPN हो गया। ठीक है, अगर तीर उल्टा होता तो PNP हो जाता। ठीक, एमिटर को जिस पर तीर होता है उसको एमिटर बोलते हैं, उत्सर्जक बोलते हैं, उसको हमने उभय निष्ठ रखा है, इनपुट और आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट रीजन, इसको बोलते हैं आउटपुट रीजन। ठीक है, स्विच की तरह कैसे यूज़ होना है समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात हमको समझनी पड़ेगी कि भाई है तो ये एक PN संधि ही ना, ये NPN मैं लिख देना छोड़ रहा, ये N है, ये P है, और ये क्या है, ये N है, अपने समझने के छोड़ रहा, मैं लिख दे रहा हूँ NP और। ठीक, तो है तो ये एक PN संधि, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक उनको वोल्ट ड्रॉप कितना मिलेगा, 0.7 वोल्ट, अगर सिलिकन के केस में हम ले रहे हैं। ठीक है, बुक में आपको 0.6 से 0.7 लिखा होता है क्योंकि एग्जैक्ट 0.7 नहीं होता है। ठीक है, तो स्विचिंग एक्शन के लिए हम थोड़ा सा टू बी प्रिसाइज हम लोग को 0.6 0.7 वोल्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट मैं ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, जिसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा अभी समझाऊंगा मैं कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा VBE से दैट, ये क्या है VBE, ये 0.7 वोल्ट, अगर सिलिकन की बात कर रहा हूँ तो मैं सिलिकन ले लेता हूँ। ठीक है, जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत अगर याद हो तो। ठीक, तो ये हो गया 0.7 वोल्ट, और ये हो गया RB। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाता हूँ, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ करंट डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी IB की। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि VBE, ठीक है, ये हमने वोल्टेज जितना भी वोल्टेज यहाँ पे लगाया है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे जाएगा, बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो VB इज इक्वल्स टू, इसको मैं VBE को V इनपुट कह देता हूँ। ठीक है, इनपुट वोल्टेज है क्योंकि VBE मैंने इसको कहा है, रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस ना होता तो पूरा VBE यहीं पे हो जाता, मैं रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो VBE मैं इसको कह दे रहा हूँ और इसको VI कह दे रहा हूँ। तो VI इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा IB RB प्लस VBE। बहुत सिंपल किरचॉफ्स इक्वेशन से मुझे सीधे से समझ लो, ये जितना वोल्टेज देंगे इनपुट में कुछ हिस्सा इस पर आएगा I इंटू R ओम के नियम से, बचा हुआ वोल्टेज इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0.7 वोल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको सर नहीं कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये बैरियर पोटेंशियल है, अगर हमें धारा प्रवाहित करानी है तो इससे ज़्यादा वोल्टेज हमको लगाना पड़ेगा, ये सब लोग पढ़ चुके हैं कायदे से भाई। मान चलो अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आपको ये पता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है,
आपको ये पता है कि बेस, एमिटर, कलेक्टर, उत्सर्जक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और पता होनी चाहिए, नहीं है पहले उसको पता करिए फिर यहाँ पे आइए रिपीट देखने, ठीक है। खैर, तो अगर मान लीजिए आपने इसको 0.2 वोल्ट ही लगा दिया, जब 0.2 वोल्ट ये खुद ही हो गया तो इसको 0.7 वोल्ट कहाँ से देगा, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि ये VI पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप हम ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, ठीक है। कि अगर हमें वोल्टेज सॉरी अगर यहाँ पे हमें करंट फ्लो कराना है तो हमें 0.7 वोल्ट यानी कि बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा ग्राफ ऐसे बनाया डायोड में हम लोगों ने, इस तरह से ऐसे ग्राफ आया था, यहाँ से यहाँ सूट गया था 0.7 वोल्ट, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। यही सब मैं रिकॉल कराने के चक्कर वीडियो लंबी हो जाती है, मैं पूरा चीज़ फिर से याद दिलाने लगता हूँ आपको, देखो ये ऐसे था, ये ऐसे था, याद आया, वरना तब तक ये निपट गया होता 10 ही मिनट में, ठीक। तो ये हो गया कलेक्टर करंट, IC डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी IC, ठीक। ये VCC है, ठीक, और यहाँ पे ये VCE है, ठीक है। ये वोल्टेज कहाँ है, VCE है, ठीक, इसके बीच वोल्टेज है, ठीक। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लेना है कि आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, ठीक। तो इसको देखिए, हम लोग VCE को हम लोग V आउटपुट भी कह देते हैं, अगर आपका इतना V आउटपुट लिख देता हूँ, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हमें इसी के सिरे यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज लेना होता है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन, V आउटपुट क्या हो जाएगा, VCC में से कुछ वोल्टेज खर्चा हो जाएगा इसमें, और जो बाकी बचेगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। VCC में से इसमें कुछ वोल्टेज खर्चा हो जाएगा, जो बचेगा वही इन दोनों सिरों के बीच में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, चाहे इसको VCE कहो चाहे V आउटपुट कहो, बात वही है, उधर इनपुट इधर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हो गए, उसको समझेंगे कैसे काम कर रहा है, ये इक्वेशन से भी समझेंगे और डायरेक्टली ग्राफ से डायग्राम से भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, ठीक। जैसे मान लीजिए शुरू में ये बैटरी ऑफ है, 0 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक, और हमने धीरे धीरे क्या किया, इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया। जब तक ये वोल्टेज लेस देन 0.7 वोल्ट रहेगा, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि अगर 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल नहीं आया तो वही डायोड वाला ग्राफ, ऐसे समझिए कि 0.7 वोल्ट के पोटेंशियल से पहले, ठीक है, ये यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। ये सारी पुरानी बातें हैं कि 0.7 वोल्ट से पहले यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब है 0.7 वोल्ट से पहले ना तो इस परिपथ में धारा होगी जो कि ऐसे IE है, ना तो इस परिपथ में धारा होगी, ना IB होगी। भाई देखो एक बात को समझो, ये मत सोचना कि सर IB नहीं है तो क्या हुआ, IE तो प्रवाहित होगी ऐसे, नहीं भैया, हम यहाँ पे एमिटर बेस जंक्शन की बात कर रहे हैं। एमिटर वो जो आवेश वाहक प्रदान करता है, जिसको हम उत्सर्जक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उत्सर्जक आवेश वाहक प्रदान करता है, उत्सर्जक आवेश वाहक प्रदान करता है। आवेश वाहक उत्सर्जक कब देगा, जब अग्र अभिनति में होगा, ठीक है। अगर उत्सर्जक अग्र अभिनति में नहीं है तो आवेश वाहक देगा ही नहीं वो, ठीक, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे कर, बस याद दिलाने में तो वीडियो लंबी होती है। ये उत्सर्जक था, यहाँ पे आवेश वाहक थे, और ये संधि थी आपकी, ठीक है, ये कोटर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये गोला है, बीच में ऐसे ऐसे है, ध्यान देना, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पर ध्यान समझिए, इस जंक्शन को अगर हमें धारा प्रवाहित कराना है तो हमें 0.7 वोल्ट से ऊपर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस जंक्शन पे 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल है जो कि एक डायोड की तरह कार्य करेगा सिंपली ये, ठीक है। तो अपने को चाहिए कि हमें 0.7 वोल्ट से ऊपर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, उसके पहले इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब है कि IE और IB दोनों जीरो होंगे, अगर IE जीरो होगा, IB जीरो होगा, IE जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि IC भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, समझ गए बात को, IC क्या होगा, जीरो, IC जीरो होगा, इसका मतलब है कि इस पर हमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पर हमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा। यहाँ अगर हम जीरो पुट करते हैं तो इस केस में VO = मिल जाएगा VCC, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप इसी पे आ जाएगा, और लोड जो जिस पे जिस प्रतिरोध पे हमें वोल्टेज देना था, जैसे मान लीजिए एक बल्ब ही है, हमको इसे बल्ब जलाना था, ठीक है, तो अगर IC जीरो हो गया तो बल्ब पे कोई विभवांतर आएगा ही नहीं, जब बल्ब पे विभवांतर नहीं आएगा, बल्ब में धारा नहीं जाएगी, तो क्या बल्ब जलेगा क्या, नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफ स्टेट, क्या बोलते हैं, ऑफ स्टेट, बात को समझ, क्या बोलते हैं इसको,
ऑफ स्टेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, थोड़ा सा और मैं ग्राफ के माध्यम से आपको और समझाना चाहूँगा कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, देख रहे हैं ना भाई, थोड़ा मार्कर लाइट हो गया क्या? अगर ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वी आई एंड वी ओ, ठीक, तो जब हम लोग वी आई को ज़ीरो रखेंगे, या आप कह लो कि 0.7 वोल्ट से कम रखेंगे, ये लगभग वो 0.7 वोल्ट से इधर आना पड़ेगा मेरे को, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम रखेंगे जब तक हम लोग, यहाँ मान लो ये 0.7 वोल्ट है, ठीक, कितना है ये वैल्यू है 0.7 वोल्ट, तो जब तक 0.7 वोल्ट से कम रहेगा तब तक ये कट ऑफ रीजन में रहेगा। ठीक है, कौन सा रीजन? कट ऑफ रीजन, संस्तब्ध क्षेत्र, संस्तब्ध क्षेत्र, कुछ याद आया? करेक्टरिस्टिक कर्व मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट से इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी, यहाँ पे जो आपका वी आई है, थोड़ा मैं लिखना है मिस कर गया, लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जो वी आई है, वी आई है वो लेस देन 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन डायोड के लिए। ठीक है, या मैं कहूँ 0.6 इसको लिख देता हूँ, आप देखिए बुक्स वगैरह में 0.6 लिखा मिलेगा, आप कहेंगे कि 0.7 मिलेगा। ठीक है, 6 क्यों? क्योंकि 7 में लगभग कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन पार ना होने लगे, क्योंकि एग्जैक्टली 7 होता नहीं, थोड़ा सा कम होता है 7 से, तो मैं और कम ही रखता हूँ ना, बहुत ज़्यादा क्यों ऊपर बढ़ूँ, लपर लपर करूँ। ठीक है, तो 0.6 वोल्ट से जब तक कम रहेगा वी आई की वैल्यू, ठीक है, तब तक कि कट ऑफ रीजन में रहेगा, कट ऑफ रीजन में आई सी जीरो रहेगा, आई सी जीरो रहेगा तो वी ओ बराबर वी सी सी रहेगा, यानी कि वी आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी सी सी। इसको बोलते हैं संस्तब्ध क्षेत्र, इंग्लिश कहते हैं कट ऑफ रीजन, क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, संस्तब्ध क्षेत्र, बात समझ में आई? ठीक है, इसमें कोई धारा आउटपुट में नहीं मिलेगी, तो स्विच कैसी स्टेट, ऑफ स्टेट है। इसी को हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, आप देखिए बुक्स में आपको डायग्राम मिलेगा, आपको बना हुआ, इस पॉइंट को हम कह देते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा जगह बचा रहा, लेकिन क्या करूँ, जगह बची नहीं रही है, यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वी सी सी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक हम स्विच बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे ओपन स्विच, इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का क्या है, कट ऑफ रीजन है। ठीक, इसका मतलब ट्रांजिस्टर यहाँ पे एज अ ओपन स्विच वर्क करेगा, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर भी करेंगे इसके अक्रॉस, तो V आउटपुट कितना आ जाएगा, पूरा पूरा VCC इसी पे आ जाएगा, मतलब प्रतिरोध पे कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे हम प्रतिरोध एक लगा देते हैं, अगर यहाँ प्रतिरोध लगा देते हैं तो प्रतिरोध पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये स्विच की कौन सी स्टेट है, ऑफ स्टेट है स्विच की। ठीक है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट को क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे ही ये 0.7 वोल्ट को क्रॉस करेगा, क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जैसे जैसे हम बेस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज, कैसे भैया, जब बेस वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आई भी इंक्रीज करेगा, भाई दोनों बढ़ेंगे, बेस वोल्टेज बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, आई भी बढ़ेगा तो आई ई बढ़ेगा। ठीक है, तो आई सी भी इंक्रीज करेगा, और जब आई सी इंक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा वी सी सी कॉन्स्टेंट है, ये बैटरी का वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, हम इससे कुछ घटा रहे हैं, और जिस चीज़ को घटा रहे हैं अगर वो चीज़ बढ़ने लगेगी तो पूरा वी ओ की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, मतलब यहाँ से वी ओ डिक्रीज करता जाएगा, ऐसे डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज करता जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ भी ऐसे समझने के लिए केवल अपने पर्पज़ से, ठीक है, ऐसे आपको क्या थोड़ा फीलिंग नहीं आएगी क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो मान लेते हैं, जैसे मान लो कि इस बैटरी के वोल्टेज से कुछ घटने, भाई ये घटेगा, ये घटने के बाद मान लो यहाँ कुछ आ रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, एक समय जो है इस वाले पॉइंट का जो वोल्टेज है, इससे घटने के बाद इस वाले पॉइंट का वोल्टेज, ये मान लो हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अभी तक तो ये वोल्टेज इससे ज़्यादा था, ठीक है, उत्क्रमणीय संधि, क्योंकि पॉजिटिव दिया मैंने, ठीक है, तो अभी तक इसका वोल्टेज ज़्यादा था, इसका वोल्टेज कम था, तो n का वोल्टेज ज़्यादा, p का वोल्टेज कम, तो उत्क्रमणीय, और अगर p का ज़्यादा n का कम तो अग्रभिनति, तो अभी तक तो उत्क्रमणीय में था, ये बढ़िया धारा जैसे जैसे प्रोवाइड करा वैसे वैसे घटता आया था वोल्टेज, लेकिन जैसे ही इसका वोल्टेज बढ़ करके इससे ज़्यादा होगा, ये संधि अग्रभिनति में हो जाएगी,
और जब संधि अगर अभिनति में हो जाएगी तो उस केस में यहाँ पे करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, ऑलमोस्ट लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। ये थ्योरी से हो गई है ना, कॉन्सेप्चुअली इसको आप समझना चाहो तो आप जैसे जैसे बेस का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बेस करंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर सभी आवेश वाहक जाना शुरू कर दिए और कोई आवेश वाहक बचा ही नहीं तो आप फिर बढ़ाते रहो वोल्टेज, जब आवेश वाहक ही नहीं है तो धारा कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी धारा। बात समझ में आई, चाहे कॉन्सेप्ट समझो चाहे जैसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या है कि एक लगभग लीनियर ग्राफ आपको मिलता है, लगभग थोड़ा स्लोप तो रहता ही है लेकिन बहुत कम स्लोप रहता है, ठीक है। तो लगभग लीनियर ग्राफ मिलता है, तो इस ग्राफ को यहाँ पे हम बोलते हैं ये, क्योंकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाली संधि तो अग्रभिनति ही हमारी पहले से अग्रभिनति थी और ये भी अग्रभिनति में हो गई, मतलब दोनों संधियाँ अग्रभिनति में हो गई, ठीक है। और जब दोनों संधियाँ अग्रभिनति में हो गई तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया संस्तप क्षेत्र, ये हो गया सक्रिय क्षेत्र, नाम बड़ा भूल जाता हूँ यार मैं हिंदी में, सक्रिय क्षेत्र और ये हो गया संतृप्त क्षेत्र, याद आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र, सैचुरेटेड रीजन, ये एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन, सैचुरेटेड। बात समझ में आई, ठीक है। ये वाला सक्रिय क्षेत्र है, ये वाला सक्रिय क्षेत्र हम लोग क्या बनाते हैं, मैंने आपको बताया भी था याद होगा, सक्रिय हम प्रवर्धक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रवर्धक बनाते हैं सक्रिय क्षेत्र में। बात समझ में आई, याद करो दिमाग पर जोर डालो, ठीक है, कि सक्रिय क्षेत्र में प्रवर्धक बनाते थे, ठीक। अब मैंने आपको बताया भी था, जब ग्राफ बताया था मैंने, कि हम लोग स्विच का प्रयोग करेंगे संस्तब्ध क्षेत्र में और संतृप्त क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि संतृप्त क्षेत्र में वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज बदलेगा, ठीक है, तो काहे का स्विच, तो रेगुलेटर हो गया, स्विच मतलब या तो ऑन या तो ऑफ, वोल्टेज घटाए बढ़ाएगा तो रेगुलेटर हो गया, फिर स्विच नहीं है, ठीक है। वोल्टेज को कांस्टेंट रखे या तो जीरो या तो जो भी आपको मिल रहा है 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, तो ये स्विच है, ठीक। तो अभी बीच में ग्राफ का डिस्कशन क्योंकि ज़रूरी था, अब फिर से मैं आता हूँ लौट करके कि स्विच ऑन कैसे होगी, स्विच को ऑफ तो हमने कर दिया, ऑफ बहुत आसान था करना, ठीक है, कि आप इसके वोल्टेज को कम रखो 0.7 वोल्ट से, धारा बहेगी नहीं, धारा बहेगी नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा ही नहीं, तो ऑफ है स्विच, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, एक्चुअली ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में जब यूज़ करते हैं हम लोग इसको तो क्या करते हैं, इसे 0.2 वोल्ट है, डायरेक्टली 0.2 वोल्ट से 12 वोल्ट पे स्विच कर देते हैं, बीच का 4, 5, 6 वोल्ट नहीं ले आते, ठीक है, 0.2 वोल्ट के बाद डायरेक्टली 12 वोल्ट पे स्विच कर देते हैं, ठीक है। तब 0.2 वोल्ट है तो ऑफ है, जैसे ही 12 वोल्ट हुआ तुरंत ऑन हो गया, ये बीच में घटने बढ़ने का तो टेंशन ही नहीं लेने का। बात समझ में आई, या तो 0.2 वोल्ट ऑफ और या तो 12 वोल्ट, मतलब एग्जांपल के तौर पे जो मैंने लिया एग्जांपल, या तो 12 वोल्ट ऑन, या तो ऑफ या तो ऑन, ठीक है, इस तरह से इसका काम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स को यूज़ करके दूसरे वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल करते हैं, कमाल की चीज़ है ये भी। खैर ज़्यादा बातें ना समझ में, कोई बात नहीं, इतनी चीज़ समझ में आ रही ना आप लोगों को, ठीक, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक ही ऐसा है, इंटर के लेवल पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये, इसको समझना, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आप लोग पूरी कोशिश करिए। एक बार अभी समरी दूंगा लास्ट में वीडियो के, ठीक है, लेकिन अभी फिर से पहले ऑफ स्टेट डिफाइन कर दीजिए, ऑफ कैसे हुआ, अच्छा भाई स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं ऑफ स्टेट डिफाइन करता हूँ, हो गया। चलिए अब ऑफ स्टेट कैसे, सॉरी ऑफ कह रहा हूँ, ऑन स्टेट कैसे मिलेगा हम लोग को, ऑन स्टेट कैसे मिलेगा, अगर हम लोग अचानक से जैसे ही 0 से 12 वोल्ट पर 0.2 से 12 वोल्ट, जैसे 0.2 मतलब 0.7 से कम कुछ भी, 0.3 0.4 कुछ भी हो सकता है, जैसे हम 12 वोल्ट पर स्विच करेंगे, होगा क्या कि इसकी दोनों ही संधियां अग्रभिनति में आ जाएंगी। जब दोनों ही संधियां अग्रभिनति में आ जाएंगी तो क्या होगा, धारा इधर से होते हुए ऐसे बकायदे, इस वाले को ये अग्रभिनति थी, ऐसे धारा जा ही रही थी, इधर से होते हुए धारा ऐसे होते हुए इस तरह से आके यहाँ ग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा अपना खुद का, ठीक है, और रेजिस्टेंस जब ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में धारा इससे प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। और जब धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि IC इस केस में क्या हो गई, IC हो गई मैक्सिमम, IC क्या हो गई मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ IB और IE ज़ीरो नहीं है। चलिए थोड़ा मैं इसको और साफ सुथरा लिखता हूँ, मैंने कहा हमने अचानक से
वोल्टेज को आई वी को अब वी आई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। जब वी आई बहुत ज़्यादा होगा, वी आई क्या होगा, बहुत ज़्यादा अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, इतना अधिक होगा कि इसके कारण वोल्ट ड्रॉप आने के बाद जो वोल्टेज यहाँ बच रहा है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, जब इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आईसी का मान क्या होगा, वो अधिकतम हो जाएगा, आईसी का मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। और जब आईसी का मान अधिकतम हो जाएगा तो वी नॉट का मान न्यूनतम तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। वी नॉट क्या होगा, न्यूनतम होगा, मतलब इस स्विच के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा, लेकिन वो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही स्मॉल होगा। मतलब हमारे घर जो स्विच लगी होती है, ठीक है, हम चाहते हैं कि 220 वोल्ट जो सप्लाई आ रही है हमारे घर में वो पूरी बल्ब को पहुँचे। अब मान लो स्विच तो खैर बहुत सिंपल सा एक ज्वाइंट होता है ऐसे करके, ठीक है। मान लो कि स्विच का जो ज्वाइंट है वो एकाध दो वोल्ट खा भी रहा है, अगर 220 वोल्ट पूरा ना दे करके 200 वोल्ट 210 वोल्ट दे रहा है, 10 वोल्ट खा ले रहा है और हमारी मजबूरी है उसको यूज़ करना, तो क्या ठीक है भाई चलो 10 वोल्ट खाने दो, बल्ब जला तो रहा है ना फाइनली, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके अक्रॉस वोल्ट ड्रॉप आता है लेकिन बहुत ही न्यूनतम वोल्ट ड्रॉप आता है। बात समझ में आई, क्या था, इसको हम जीरो करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि धारा प्रवाहित होनी है तो कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, तो थोड़ा बहुत तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा। मतलब ये एक ऐसी स्विच है जिसमें थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप आता है, बहुत स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप आता है, ठीक है। जब वोल्टेज ड्रॉप आने के बावजूद हमें क्या होगा, क्योंकि आईसी अधिकतम है तो इस वाले पर आईसी अधिकतम है तो आईसी इंटू आरसी इस पे वोल्टेज भी अधिकतम हमको मिलेगा। ये न्यूनतम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन इस पे वोल्टेज हमें अधिकतम मिलेगा, मतलब हमारा बल्ब जो है पूरे फुल वोल्टेज के साथ जलेगा। बात समझ में आई। और पुराने केस में बल्ब क्या था, आईसी जीरो था, बल्ब क्या था, बुझा हुआ था। मतलब इस केस में जो ट्रांजिस्टर होगा, इस केस में वो ट्रांजिस्टर हमारा कार्य करेगा वीसीसी यहाँ पे ऐसे करके, आप ऐसे बनाएंगे इसको, दिख रहा है ना, इसको दोनों सटा हुआ ऐसे बड़ा गोला गोला कर देंगे, ठीक है, दोनों सटा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से एक ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा आपका, यहाँ पे वी नॉट क्या आएगा, वो मिनिमम आएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम था, मतलब पूरा पूरा वोल्टेज स्विच पे ही आ गया, प्रतिरोध पे वोल्टेज जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज पे मिनिमम हो गया और यहाँ पे प्रतिरोध पे जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप आएगा अगर तो ये इक्वेशन लिखेंगे, ये ग्राफ लिखेंगे, इस पे एक्टिव संतृप्त और बता देंगे, ठीक है, दोनों स्विचेस बना देंगे, डायग्राम बना देंगे और ये समझा देंगे एग्जामिनर को कि हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं, स्विच को यूज़ करते हैं संस्तब्ध क्षेत्र में और संतृप्त क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में स्विच का कोई कार्य नहीं होता, इस वाले क्षेत्र में प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक समरी हो गई, ठीक है, और आप लोग को अगर समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप फिर से प्ले कर लीजिए 2x की स्पीड में, ठीक। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, मैंने कहा था लगभग 20-22 मिनट का वीडियो होगी, 20-22 मिनट का है, आप देख सकते हैं। तो चला जाए, मिलते हैं फिर आप लोग एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से आकर एग्ज़ाम दीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक।